आप में से कितने लोगों को रिच बनना है और आप में से कितने लोगों को वेल्दी बनना है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी. यू एट द राइट पॉइंट. मेरा नाम संदीपन रेड्डी है और मैं INI फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, जो कि मैं फाइनेंशियल कोचिंग में भी बिलीव करता हूँ. द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी इज अ स्मॉल गैप. लास्ट 13 साल से हम लोग स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी करते हैं. सो एट प्रेजेंट वी एडवाइज अराउंड 4,500 क्लाइंट्स और हमारे पास एक 19 पीपल की टीम है विच कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन हेल्पिंग पीपल टू डू दैट. आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ लिटरेसी एंड एजुकेशन के बारे में. सो हम लोग सब वी आर ऑल लिटरेट बट वी आर नॉट एजुकेटेड. लिटरेसी एक बात है एंड एजुकेशन एक बात है. सो द एंटायर प्रोसेस, अगर हमको फाइनेंशियली फ्री होना है, द फर्स्ट स्टेप इज फाइनेंशियल लिटरेसी. हम लोग आज अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे. फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम. सो मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटे से प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी विच वी हैव लर्न इन आर स्कूल डेज. हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स मिल गए बट हम लोग एक्यूमुलेट करके हम लोग उसको आगे चलते हैं. तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी इज नोइंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स. एंड इसमें क्या होता है ना, जैसा भी इफ यू सी फाइनेंशियल लिटरेसी इन एजुकेशन, दोनों में से प्ले अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी. ये अपने प्रणब जी मुखर्जी, उन्हीं का एक सेंटेंस है जो कभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. सो व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव कि क्यों हम लोग ये करते. सो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कॉम्बिनेशन है कि अवेयरनेस है, नॉलेज है, स्किल्स है, एटीट्यूड है एंड बिहेवियर है. ये तीनों का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें तो हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के तरफ चलते हैं. एंड व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोग व्हाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये पता चला कि ये इसमें लोअर इनकम ग्रुप भी हम लोग फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ला सकते हैं क्या नहीं. एंड इफ यू लाइक इट और नॉट, फाइनेंशियल इंक्रीज लाइफ एक्सपेंडेंसी है. एंड जो अभी जॉइंट फैमिली हम लोग पहले रहते थे, अभी वो न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे. दूसरा, वो पेंशन प्लान्स, पहले डिफाइंड पेंशन प्लान्स था, अभी वो कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आ गए है. एंड मार्केट में आज देर आर 1,000 प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. एंड जो गवर्नमेंट का जो हमने देखा है डायरेक्ट बेनिफिट प्लान्स, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट इज वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट. सो हम लोग कुछ मिसकंसेप्ट है हमारे मनीज के बारे में, कुछ मिसकंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि हम लोगों को लगता है कि पैसा अपने पास रहना चाहिए, बैंक में रहेगा तो क्या कर सकते हैं उसमें, और पैसा ये खर्च करने की बात है, यू हैव टू स्पेंड मनी, उसमें कोई ये नहीं है. दूसरा, हम लोगों को वी हैव अ स्केप्टिकल माइंड अबाउट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होना चाहिए, वो हम लोगों को पता नहीं चलता है. फिर पेंशन में क्या, पहले कैसा था कि बेटा बेटी अपने माँ बाप को ख्याल रखते थे, बट नाउ देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन. और स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा काम, मेरी काम की चीज़ नहीं है. दूसरा, आज मेरे पास उतना टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सो ये जो मिसकंसेप्ट है, सो दैट हैज़ टू बी गॉन इफ एट ऑल वी हैव टू डू. सो द बेसिक कंसेप्ट इज अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, वो इंक्लूड करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड देन वी टर्न टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम. तो एक प्रोसेस है और प्रोसेस में हम लोग एक देर आर 10 थिंग्स विच वी नीड टू थिंक अबाउट. एक है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स,
फाइनेंशियल लिटरेसी के ये बहुत बहुत पैमाने पे 10 चीज़ें हैं जो हमने स्कूल डेज में पढ़ी हुई है, बट हम लोग वो वी डोंट यूटिलाइज इट एज ऑन टुडे. सो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स है, 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नीड एंड वॉन्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, प्राइस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, द रूल ऑफ 72, रिस्क वर्सेज रिटर्न्स एंड डाइवर्सिफिकेशन. दीज आर द 10 टॉपिक्स. इफ एवरी वन, अगर कोई सबको अगर ये हम लोग सिखा सकेंगे तो दे कैन बी रियली फाइनेंशियल लिटरेट, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे एंड देन दे कैन बी फाइनेंशियली फ्री. सो वॉट डज द आज एवरी वन नोज वॉरेन बफे, राइट? सो वो क्या कहते हैं कि डोंट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. बहुत बड़ी चीज़ कही है उन्होंने जो हम अगले साइड्स में करेंगे. सो पहला चाहिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. सेविंग्स इज पुट असाइड इन द करंट अर्निंग. आज जो मुझे मिलता है उसमें से जो मैं थोड़ा जो करता हूँ तो उसको हम लोग सेविंग्स करते हैं. और इन्वेस्टमेंट होता है कि जो मेरी सेविंग्स है मैं अगर कहीं पे भी डालता हूँ और वो मेरा पैसा ग्रो करती है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो दोनों चीज़ अलग अलग है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. एंड इन्वेस्टमेंट के लिए पहला कदम है सेविंग्स का. सो इसके लिए एक छोटी सी यूजफुल टिप्स हम लोग बता देते हैं कि सेविंग्स इज नॉट डन वन, वो रेगुलर करनी चाहिए. अपना पेमेंट आ गया उसमें से थोड़ा सेविंग्स हो गया. दूसरा होता है ना कि स्पेंड से लेस टू सेव मोर, और हर चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए उसमें से. सो दूसरा सबसे बड़ा कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, खुद पे कुछ खर्चा करना चाहिए. मेक अ बजट आउट ऑफ दिस. इनकरेज द चिल्ड्रन टू सेव, उसमें जो वैल्यू ऑफ मनी हो जाती है. एंड मेकिंग सेवर इज ए सेट ऑटो ट्रांसफर. जब तक ऑटो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तब तक इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको इट विल नॉट गो वॉट एवर यू डिजायर टू. सो इन्वेस्टमेंट हैज टू बी ऑटो. सो दिस इज वॉट वॉरेन बफे सेड. पहले हम लोगों को सैलरी आती है, फिर उसके बाद हम लोग EMIs बिल पे करते, देन वी स्पेंड ऑन दैट, एंड अगर बचा कुछ है तो इन्वेस्ट करते. जो कुछ बचता ही नहीं है वो हम लोगों को गए कितने साल से पता है कि कुछ बचता नहीं है. लेकिन इसमें से थोड़ा चेंज करो, उसमें से सैलरी है उसके बाद पहला इन्वेस्ट करो. लेट अस स्टार्ट विथ 10% ऑल्सो, फिर उसके बाद EMIs और बिल पे करो एंड देन स्पेंड करो. सो ये अगर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किया सो नेक्स्ट 3 ईयर्स में यू विल नो वेयर यू वुड बी गोइंग टू. ये सो द 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपकी हर एक इन्वेस्टमेंट ये 3 दायरे में दे शुड कंप्लाई ऑल दिस थिंग्स. 1 इज योर इन्वेस्टमेंट सेफ्टी, इज योर इन्वेस्टमेंट गिविंग ग्रोथ, एंड इज योर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी. अब भी आपके जो भी प्रोडक्ट्स है ये इसी में डाल के देखो. एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि हम लोग का रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है. सो रियल इस्टेट का सेफ्टी है, यू नेवर नो कि उसमें देयर इज सेफ्टी ऑन दैट. ग्रोथ है, येस देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ, बट नाउ डेज इट इज स्टिल स्टैगनेंट. लेकिन लिक्विडिटी में इट डजेंट फिट इन लिक्विडिटी बिकॉज वो लिक्विड एसेट है ही नहीं. सो ऐसे आपके जो भी प्रोडक्ट्स है स्टार्ट पुटिंग इन टू देम एंड यू विल नो कि वॉट इट हैज टू बी डन. इन्फ्लेशन वॉट इज अ वायलेंट मगर, एज फ्राइटनिंग एंड एज आर्म रॉबर, एंड इज डेडली एज अ हिटमैन. सो योर इन्वेस्टमेंट हैज टू बीट द इन्फ्लेशन रेट. यही है कि अदरवाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इफ यू सी इन द कंज्यूमर 2008 टू 2015, आपको पता चलेगा कि आपका इन्फ्लेशन ने आपका इन्वेस्टमेंट को कितना खा ये किया है. सो व्हाट इज नॉमिनल रिटर्न. नॉमिनल रेट इज रिपोर्टेड एज स्टेटेड रिपोर्ट. सपोज नाउ आपके पास FD है, FD में आप लोग ये करते हो, सो 8% FDs का रेट है. सो योर FD रेट द नॉमिनल रेट इज 8, बट यू डोंट हैव टू लुक एट दिस. अभी नॉमिनल रेट डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इन टू अकाउंट. अगर हम लोग इन्फ्लेशन आज का 6% है, सो वॉट इज रियल रिटर्न. रियल रिटर्न इज नॉमिनल रेट, दैट इज 8 माइनस 6. सो
इन्वेस्टर को रियल रिटर्न 2% ही मिल रहा है आज. सो इज इट ओके, इज ही रियली गोइंग टू ग्रो हिज वेल्थ. सो द की टू बिल्डिंग वेल्थ relies heavily upon knowing the difference between the needs and wants. This is the fifth step onto doing this. So everyone knows what is this. My need is, yes, I need an apple, right? Agar I need to be healthy, it's a need. But an iPhone from an apple, yes, that is a want. So identify karni chahiye hum logon ko ki hamari needs aur kya hai, us tarah se hum log track kar sakte hai. And before asking yourself, सच में जरूरी है? Can I defer it? Can I delay it? If I afford it, can I delay it? So there is a matrix which will help you to do that. So if at all on the first matrix, urgent and important है, तो आज ही buy करना चाहिए. But if at all it is urgent and not important, हम लोग ये कर सकते हैं कि बाय, बट इफ यू कैन एफोर्ड इट, अगर है अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, बाय कर सकते हैं अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, प्लान टू बाय इट लेटर, हम लोग बाद में भी ले सकते हैं. इट इज नॉट दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्लोज और ऑफर्स बंद हो जाते. नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट. सो ये कहना है अपना कि डू नॉट बाय इट whenever it is, आज ही भी इम्पोर्टेंट. देर आर पीपल, वी सी पीपल, मैंने भी खुद बहुत सारा ऐसा हुआ है कि जो अर्जेंट भी नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, बाय किया, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट. सो वॉट इज द टाइम वैल्यू? सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट वेन यू नो दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी. रुपी टूडे इज वर्थ मोर देन रुपी टूमोर, एवरीबडी नोज ऑन टू दैट. सो इन्फ्लेशन, अनसर्टनिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वाई वी नीड टू इन्वेस्ट. एंड प्रेजेंट इज हाउ There is a formula. We don't want to go into technicality because present and future value हम लोग Excel sheet भी निकल सकते. What did Einstein say about compounding interest? It's a beautiful sentence by Einstein. उसने कहा है कि compounding interest is the eighth wonder of the world. Those who understand it earn it, and those who don't pay it. So if you see the power of compounding, अगर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर एक साल में मैंने 1,00,000 रुपये एट 10% इन्वेस्ट भी किया है, सो इट वर्क्स बेस्ट इन द लॉन्ग रन. एक साल में मुझे एक लाख दस हज़ार रुपये, लेकिन वही अगर मैंने थोड़ा 5 साल के लिए, आई गेट कंपाउंडिंग में सिंपल में 1,50,000 मिलता है, वेयर एज 1,61,000 मुझे कंपाउंडिंग में मिलता है. बट इफ़ यू सी दिस, अगर मुझे 30 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट विल गिव मी 4,00,000 रुपीज, बट माय कंपाउंडिंग विल बी 17 लैक्स. दैट इज अ ह्यूज मनी. सो बट प्राइस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, हम लोग बोलते कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं आने के बाद मैं करूंगा. एंड बहुत जन के बाद है कि डीले कर दे कि आज मेरा पैसा ही नहीं है, देन यू मिस ऑन द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, अगर हम लोग छोटी चीज़ों से, जो आज म्यूचुअल फंड्स वाले कहते हैं इन्वेस्टमेंट सही है, यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज लो एज 500 रुपीज़ पर मंथ. 500 रुपीज़ अगर हम लोग सेव करना भी चाहते हैं ओवर अ पीरियड टाइम, आपको उसका जो ये है, एक एग्जाम्पल है अपने पास, डिले इन इन्वेस्टमेंट कैन बी कॉस्टली. सपोज ना यू इन्वेस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ at 12% annual returns, your corpus would be around 30. Your corpus after 30 years, agar main abhi start karta hu 30 saal ke baad, to usko tha 1.77 crores at only 12%. But if you deal it by 3 years, your 55 lakhs have gone, aapke 55 lakh nikal jate. Lekin wahi agar hum log 5 saal ka delay karte hain, to 82 lakhs nikal jayenge. बट इफ़ यू डीले बाई 10 ईयर्स ऑल्सो, कि नहीं मेरा 10 साल के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी एंड देन आई विल डू दैट, यू आर 1.27 crores हैव गॉन. सो डीले मत करो. डीले इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट वी डू इन आर डे टू डे लाइफ. देर इज अ थंब रूल इन इन्वेस्टमेंट्स. वन इज हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डबल इट. इट इज 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स. सपोज ना 72 है, आपको 8%, कोई भी आपको 8%, बैंक आपको 8% दे, सो 9 ईयर्स वुड बी इट वुड रिक्वायर टू मेक योर मनी डबल. सो
understand, you can change this, you can try out what is the investment that I will be getting into that, and you can say this is a basic thumb rule. It is just to know the basis of ये सबसे बड़ी बात जो आज रिस्क है. वी ऑलवेज फील रिस्क फ्री चाहिए. देर इज नथिंग कॉल्ड रिस्क फ्री. ये इसमें एवरीथिंग हैज अ रिस्क. आपके एफ डीज पे भी रिस्क है बिकॉज ओनली 1 lakh ऑफ योर एफ डी इज इंश्योर्ड. अदर्स इज ऑल्सो रिस्की. सो एवरीथिंग इन लाइफ इज रिस्की. नाउ यू जस्ट हैव टू मैनेज दैट रिस्क. So no such thing as risk-free investment. It is a risk-reward ratio है हमारा कि वो क्या मिल सकता है मुझे इसमें से. So risk cannot be eliminated. वो manage कर सकते हैं. And सबसे बड़ी बात है manage your risk through diversification. So what is diversification? Diversification ये चीज़ है कि ना आप हर एक investment एक basket में मत रखो. We have seen lot of people putting every money into FDs में ही रखते हैं. और नहीं तो पूरा इंश्योरेंस में लगते, नहीं तो पूरा इक्विटी में जाते पूरा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज बिल्ड योर पोर्टफोलियो अराउंड कि हर एक प्रोडक्ट आपके बास्केट में होना चाहिए. एंड उसको हर एक को टाइम बाउंड है. गिव दैट टाइम वैल्यू टू देम टू ग्रो एंड फाइंड अ गोल. सपोज नाउ यू हैव अ एजुकेशन गोल आफ्टर 15 ईयर्स. सो पुट अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू दैट. 17 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट. और उसके बाद वो सिस्टमेटिकली इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट पॉलिटी ये दिस यू कैनॉट एलिमिनेट दिस रिस्क. इसको पता भी नहीं होती है. सो टू नो अबाउट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 10 थिंग्स ऑफ द बेसिक्स अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी. सो इफ यू नो अबाउट दिस You would be in a position to take decisions. आप decisions कर सकते हैं अगर ये 10 चीज़ें हम लोगों को पता चलती है.